आज आपने ये प्रदर्शन क्यों करा? देखिए प्रदेश की आज जो हालत है, प्रदेश की इतनी बुरी हालत है कि अस्पतालों में जगह नहीं, शमशानों में जगह नहीं, आम आदमी इतना परेशान और दुखी हो गया कोरोना जैसी महामारी को लेकर। और हमारे पूर्व कांग्रेसी नेता जो वर्तमान में गद्दार है, जिनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़कों पर आऊँगा अगर जनता की मांगे पूरी नहीं हुई, अगर जनता की मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं सड़कों पे आऊँगा। तो आज समय आ गया है माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, आज 26 तारीख को इंदौर में आ रहे हैं। आप सड़कों पर आइए और इंदौर की स्थिति देखिए, देखिए अस्पतालों में जाकर, देखिए शमशानों में जाकर कि क्या आज आम आदमी की हालत हो गई है। पैसा देने के बाद इलाज नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, बेरोजगारी इतनी चरम पर आ गई है। अतिथि शिक्षकों के लिए आपने कहा था मैं रोड़ों पे आऊँगा, आज अतिथि शिक्षक रोड़ों पे और आज सड़कों पे। आप बड़े बड़े बंगलों में और हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। तो शिवराज जी और महाराज दोनों से मैं मांग करता हूँ कि आप सड़कों पर आइए। 26 तारीख को बड़े बड़े कार्यक्रम 7-8 करोड़ का आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मगर वो पैसा अगर आप आम आदमी के इलाज में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।